और उसके बाद आने वाले वीडियो में आपको अध्याय दस बताएंगे इसके पहले एक अध्याय से आठ अध्याय तक की के अध्याय जो है उनके प्रश्नों का हल करके आपको हमने बता चुके हैं आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस की प्ले में जाकर इन प्रश्नों इन अध्यायों के प्रश्नों को देख सकते हैं तो चलिए अध्याय नौ क्षेत्र में इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी गई हैं इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दिया जैसे क्या दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है एक बटे दो आधार गुणित ऊँचाई त्रभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई और सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा एक बटे दो पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण तो ये बच्चों ये दो सूत्र हैं आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल और सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल ये दोनों सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा ये सूत्र आपके आगे काम आएंगे और यहाँ पे जो लिखा है इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको दो चीज़ बताया हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा एक बटे दो पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण तो उसके संबंधित कुछ यहाँ पे हल करके बताया इसे ध्यान दीजिएगा इसके बाद आपको आता है थ्री आकृति और टू आकृति थ्रीडी आकृति कौन सी होती है टू आकृति कौन सी होती है उसके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना है और थ्रीडी आकृति में देखो ये दी हुई है जैसे घनाब है घन है बेलन है शंकु है ये क्या कहलाती है कहला थ्री आकृति और ये टू आकृति कहलाती हैं तो चलिए आगे और देखते हैं क्या दिया हुआ है घनाप घनाब का कुल पृष्टि क्षेत्रफल इस सूत्र को भी आपको याद करना पड़ेगा घनाब का कुल पृष्टि क्षेत्रफल का सूत्र होता है दो कोष्टक में लंबाई गुड़ित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई

घन का पैष्टी क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है चेल, चेल का वर्ग उसी के बाद आपको बेलन का पार्ष्व पेष्टी क्षेत्रफल फल वक्र पृष्ठ भी कहते हैं तो बेलन का पाष्ट पेष्टी क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा गया टू पाई आर एच बेलन का पार्ष् पैष्टी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है टू पाई आर एच इसके बाद नेक्स्ट है आपका आगे चलिए आपका बेलन का कुल पेष्टी क्षेत्रफल का सूत्र ये दिया हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं टू पाई आर पुस्तक में आर धन एच यहाँ पे आर त्रिज्या है और एच क्या है ऊंचाई है तो ये बेलन का कुल पेष्टी क्षेत्रफल का सूत्र हो गया इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है घनाब का पैष्टी क्षेत्रफल टू एल बी धन बी एच धन एल एल बी और घन का पेष्टी क्षेत्रफल छह एल का वर्ग और बेलन का कुल पेष्टी क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया इसने टू पाई आर कोष्टक में आर धन एच तो बच्चों और यहाँ पर जैसे घनाव का पेष्टी क्षेत्रफल में एल बी और एच क्या है एल लंबाई हो गई बी चौड़ाई हो गई और एच क्या हो गई ऊंचाई हो गई इसी प्रकार घनाव का पे, वक्र पेष्टी क्षेत्रफल फल घनाब का वक्र पेष्टी क्षेत्रफल फल सूत्र क्या है टू एच कोष्टक में एल धन बी ये इस प्रकार से आपको सूत्र दिए हुए हैं जैसे घन का वक्र क्षेत्र क्षेत्रफल घन का वक्रप्रष्टी क्षेत्र फल सूत्र क्या हो गया चार एल का वर्ग एल क्या है इसकी एक भुजा है ये आपको यहाँ दिया है आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए इसके बाद ये आपको कुछ प्रकृतियाँ दिया है उनको लंबाई चौड़ाई और उसके आयत आयतन कैसे निकालना है वह बताया है और यहाँ घन आपका आयतन का सूत्र क्या हो गया लंबाई गुड़ित चौड़ाई गुड़ित ऊंचाई जिसको हम एल गुड़ित बी गुड़ित एच कहते हैं और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा का घन यानी एल का घन एल क्या है इसमें भुजा है ये आपको यहाँ सूत्र देखो सूत्र रूप में घन का आयतन का सूत्र हो गया एका घन उसके बाद घन आपका आयतन का सूत्र हो गया एल बी एच लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी तो ऊंचाई उसके बाद क्या दिया बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो गया पाई आर वर्ग एच यहाँ पे ये एल क्या है भुजा है किसमें घन के आयतन में क्योंकि तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं घनाब का आयतन में एल मींस हो गया लंबाई बी मींस हो गया चौड़ाई और सी मीन्स हो गया ऊंचाई और बेलन का आयतन में दिया है पाई आर वर्ग एच तो पाई का मान क्या होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए पाई का मान होता है बाईस बटे सात यदि आप इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो इसे बाईस वाटे साथ लिखेंगे और इसे दशमलव में लिखते हैं तो तीन दशमलव एक चार ठीक है ये क्या हो गया पाई का मान हो गया और यहां पे जो एच दिया है एच क्या कहलाता है ऊंचाई कहलाता है चलिए आगे देखते हैं अब जो आपका अब आप प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए जो आपके अध्याय से संबंधित जो कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों को आप हमारे तक के बताएंगे चलिए इसका प्रश्न नंबर एक प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से दस गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर उसका आयतन एक हजार गुना होगा और ए नंबर का जो डिब्बा दिया है उसको आप क्या कर देंगे उस घेरे को भर देंगे इस प्रकार से तो इसका सही आंसर क्या होगा ए नंबर फिर तो उसी प्रकार प्रश्न नंबर दो एक में एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है क्या पूछा है एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर शून्य दशमलव शून्य शून्य एक घन सेंटीमीटर के बराबर का ऑप्शन सही होगा यहाँ पे उत्तर में सी नंबर शून्य दशमलव शून्य शून्य एक घन सेंटीमीटर लिख देंगे और इस घेरे को भर देंगे इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तीन प्रश्न नंबर तीन क्या है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात एक अनुपात दो है तथा इसकी ऊंचाइयों का अनुपात दो अनुपात तीन है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा तो देखिए यहाँ पे हम आयतनों आयता अनुपात का सूत्र लगा के हम इसे हल करके देखेंगे तो हल करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर एक अनुपात छः और यहाँ पे बी नंबर घेरे को भर देंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर चार एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई कम से तीस और सोलह सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता तो अभी बताए थे सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको हमने अभी समझाए थे तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो पहला विकर्ण पहला विकर्ण कितना है तीस दूसरा विकर्ण कितना है सोलह अब इसको हल की दो एक कम दो दो अट्ठे सोलह और फिर तीस में इसका आठ का गुणा कर दीजिए तो आपको होगा आठ तीस चौबीस दो सौ चालीस वर्क सेंटीमीटर तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा तो इस प्रकार से आप इसे हल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर पाँच यदि एक घना घनाभा का टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है कि लंबाई एक मीटर चौड़ाई एक मीटर और गहराई दो मीटर है तो टंकी का पेष्टी क्षेत्रफल कितना होगा तो इसमें आपको घना का पेष्टी क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल करेंगे जब उसे हल करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा इसका नौ वर्ग सेंटीमीटर आएगा तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा और यहाँ बी नंबर घेरे को आप भर देंगे ये आपके जो सही विकल्प थे ये कंप्लीट हुए इसके बाद आप चले आते हैं हम नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए आपको जो प्रश्न दिए प्रश्नों कैसे हल करना है वह देखते हैं प्रश्न नंबर छः एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पेष्टी क्षेत्रफल छः वर्ग सेंटीमीटर है क्या ज्ञात करना है बच्चों इसमें आपको घन की भुजा ज्ञात करना है और घन का पांच पैष्टी क्षेत्रफल कितना दिया है छह वर्ग सेंटीमीटर तो कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले क्या लिख देंगे घन का पांचि क्षेत्रफल कितना है छह वर्ग सेंटीमीटर और घन के पांच पैष्टी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है छह भुजा का वर्ग यहाँ पे भुजा हमने क्या मान ली है एल छल का वर्ग बराबर छ सौ तो यहाँ पे आप देखिए ये जो इसका पक्षांतर किया तो छह सौ के भागित में आ गया छह का भाग हमने छह सौ में दी कितने बार गया सौ बार गया तो एल वर्ग बराबर कितना आ गया सौ

एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल चौबीस वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई आठ सेंटीमीटर है यानी एक पहला विकर्ण की लंबाई कितनी है आठ सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए तो कैसे ज्ञात करेंगे आप समतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से ही ज्ञात करेंगे तो क्या लिख देंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना चौबीस वर्ग सेंटीमीटर सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल उसके नीचे उसका जो सूत्र है उसके नीचे लिख दीजिए उसका सूत्र क्या है एक बटे दो गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण बराबर चौबीस फिर क्या लिखेंगे एक बटे दो पहला एक विकर्ण दिया है आठ सेंटीमीटर और आपको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है तो दूसरा विकर्ण जैसा का वैसा बराबर चौबीस अब क्या करेंगे हम ये एक बटे दो और आठ सेंटीमीटर का पक्षांतर कर देंगे तो यहां पे दूसरा विकर्ण जैसा का वैसा लिखेंगे और ये चौबीस लिखे हमने जब हमने एक बटे दो का पक्षांतर किए तो ये इस बराबर के इस्पाल जाने के बाद क्या हो जाएगा दो बटे एक तो दो ऊपर चल जाएगा और एक नीचे आ जाएगा और आठ सेंटीमीटर का आठ का पक्षांतर किए तो इकाई में चल जाएगा भाग में इकाई में गुड़ा में ये भाग में था तो कैसा हो गया उसका वित्कम हो गया एक बटे दो का दो बटे हो गया और आठ काय में चल गया भाग में आठ का भाग चौबीसवें दिए कितने बार गया तीन बार गया तो दूसरा विकर्ण बराबर क्या होगा तीन गुणी दो एंड तीन दुनी छह सेंटीमीटर विकरण छह सेंटीमीटर सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदर मोड़ कर बीस सेंटीमीटर तजा वाला एक बेलन बनाया जाता है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाईआर बार गैच होता है जिसमें आपको पाई मान मालूम होना चाहिए आर मान मालूम होना चाहिए और एच मान पाई स होता है बाइस बजे साथ आर ने तेजा होती है और एच मींस ऊंचाई अब आप प्रश्न में देखेंगे कि आपकी ऊंचाई और दिया हुआ है कि नहीं ध्यान से देख लीजिए सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंत मोड़े चौड़ाई के जब अंस मोड़ेंगे तो वह आयताकार कागज किस रूप में जाएगा बेलनाकार कागज बन जाएगा और जो जो सेंटीमीटर चौड़ाई है वह क्या बन जाएगी उसकी ऊंचाई बन जाएगी तो ऊंचाई कितनी हो गई इक्कीस सेंटीमीटर और तेजा कितनी बीस सेंटीमीटर तो यहां लिख देंगे बेलन की ऊंचाई एच बराबर इक्कीस सेंटीमीटर तेजा आर बराबर बीस सेंटीमीटर अब बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे और इसे हल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बेलन का आयतन कितना है चलिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर वर्ग एच पाई का मान क्या होता है बाईस बटे सात आर का मान कितना दिया है बीस सेंटीमीटर तो बीस का वर्ग और ऊंचाई एच कितने दी है इक्कीस अब देखिए बाईस बटे सात बीस बीस का वर्ग है तो इसको कितने बार लिख दिए हमने दो बार लिख दिए और ये जो हर में सात है इस सात से अंश का इक्कीस कट गया कितने बार कट गया सात एक कम सात सात इक्कीस अब क्या बचा आपका बाईस गुणित बीस गुणित बीस गुणित तीन अब जब हम बाईस गुणित बीस गुड़ित बीस गुणित तीन इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा सबसे पहले हम बीस का में गुणा किए तो कितना आ गया चार सौ आ गया बीस का में गुणा किए तो कितना आया चार सौ और बाईस का किस में छूनम शून्य छूनम शून्य छः चौके चौबीस फिर तो रंग रंग चोके, तो उसी प्रकार इकाई छोड़ दो छह शून्यम शून्य छ चौके चौबीस अब इसे जोड़ दीजिए शून्य शून्य चार छ दो कितना आ गया दो छब्बीस हजार चार सौ घन सेंटीमीटर ये छब्बीस हजार चार घन सेंटीमीटर क्या कहलाएगा आपका बेलन का आयतन इस प्रकार से ये प्रश्न को आप हल करेंगे और ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक चीज़ आपके दिमाग में एक बात यह आती होगी कि सर आप तो इतने बड़े बड़े प्रश्न हल करके बता रहे हो बच्चों गणित के सवाल तीन या चार लाइन में हल नहीं होते इनको हल करने के लिए पूरा डिटेल बताना पड़ता है तभी आपके समझ आएगा तो अब हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को कैसे लिखें तो आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नहीं लिखना है लिखना है तो आप दो भाग बना के लिख लीजिए तीन भाग लिखा के लेकिन उसमें आप, आप सफाई नहीं दे पाएंगे इसलिए आप एक कॉपी बनाइए और कॉपी में इन प्रश्नों को स्टेप बाई स्टेप एक के नीचे एक करते हुए लिखिए तो आपको कक्षा आठवीं के बच्चे हैं आप एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित की है तो उसके लिए आपको कॉपी बनाना है और कॉपी में इन प्रश्नों को हल करना है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर नौ एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है क्या ज्ञात करना है आपको घनाब की ऊंचाई ज्ञात करना है तो घनाब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको जो घनाब का आयतन है उस घनाप के आयतन में उसके आधार के क्षेत्रफल किसके आधार के क्षेत्रफल घनाप का आधार के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो आपको घनाब की ऊंचाई मालूम हो जाएगी कैसे करेंगे देखिए घनाब की ऊंचाई बराबर घनाप का आयतन भागित आधार का क्षेत्रफल घनाब के आयतन कितना दिया ये दिया देखो नब्बे वर्ग सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है अठारह वर्ग सेंटीमीटर नब्बे में अठारह का भाग दे दीजिए अठारह पंचे नब्बे पांच सेंटीमीटर अब ये घन और वर्ग कहाँ गया तो इसके दो सेंटीमीटर से इसके दो सेंटीमीटर क्रॉस हो गए तो बच गया एक सेंटीमीटर तो ये आ गया पांच सेंटीमीटर तो घर आपकी ऊंचाई कितनी हो गई आपकी पांच सेंटीमीटर इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर नौ को हल करेंगे और इस अध्याय से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही अधिक प्रश्न पूछा जाता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर दस प्रश्न दस में दिया है दो घनों के आयतनों का अनुपात एक अनुपात चौंसठ है इनके पृष्टी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए तो देखिए घनों के आयतनों का अनुपात कितना है एक अनुपात चौंसठ तो यहां पे हो जाएगा ए वन का ए वन बटे ए टू ए अनुपात ए वन अनुपात ए टू पूरे का घन ये किसका हो गया घनों का आयतनों का अनुपात हो गया तो ये क्या जाएगा एक अनुपात चार एक बटे चार एक का घन एक और चार का घन चौंसठ तो एक अनुपात चौंसठ को आप एक बटे चार पूरे की घात तीन के रूप में लिख सकते हैं ये घन घन से गन कैंसिल हो गया तो एवन बटे A2, एन A1 A2, एन भुजाओं का अनुपात कितना आ गया एक अनुपात चार अब क्या ज्ञात करना है आपको घन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा का वर्ग छागित छू पूरे का वर्ग छ से छे कैंसिल हो गया बचा क्या एवन बटे ए टू पूरे का वर्ग और वन बटे ए टू कमान क्या होता है एक बटे चार तो ये बटे, सोला, तो का क्या सोलह तो एक बटे सोलह सोलह तो घन के इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर ग्यारह चलिए प्रश्न को पढ़िए क्या दिया प्रश्न आपका एक भवन में अठारह बेलनाकार खंबे देखिए बच्चों यहाँ पे एक भवन में कितने अठारह बेलनाकार हैं प्रत्येक खंबे की तज्जा पैंतीस सेंटीमीटर है और जितने जो वो खंबे बने हैं उस भवन में उस प्रत्येक खंबे की तज्जा कितनी दी है पैंतीस सेंटीमीटर है और ऊंचाई पाँच मीटर है तो यहाँ पे इकाई अलग अलग है तो या तो आप तज्जा को मीटर में बदल लीजिए या ऊंचाई को सेंटीमीटर बदल लीजिए तो ये थोड़ा सा इनकी इकाइयों को समान करना पड़ेगा आपको फिर दिया है, नौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबों के वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए अब इसमें व्यय ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जब आप एक खंभे का वक्र वक्रपृी क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसके बाद जो अठारह खंबे हैं बेलाकार खंबे उनमें जो एक खंबे का वक्र वक्रपृष्टी क्षेत्रफल आता है उसका गुणा कर देंगे तो आपको अठारह खंबे का वक्र वक्रपृष्टी क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा और अठारह खंबे का जब वक्र वक्रपृष्टी क्षेत्रफल आपको मालूम हो गया तो उसमें नौ का गुणा कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सभी खंबों के वक्र वक्रपृष्टी क्षेत्रफल पर पेंट कराने पर कितना व्यय होगा तो चलिए कैसे हल करते हैं देखते हैं सबसे पहले लिख देते हैं बेलनाकार खंबे की तज्जा आर बराबर पैंतीस सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर को हमको मीटर बदलना पड़ेगा क्योंकि चाहे तज्जा हो या ऊंचाई इनकी इकाई कैसी होना चाहिए समान होना चाहिए तो हम मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर बदल रहे हैं तो क्या करेंगे सौ का भाग देंगे क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सौ सेंटीमीटर होते हैं तो चलिए पैंतीस भागी सौ हो गया भाग तो का भाग पैंतीस में दिए तो शून्य दी है तो बेलन का सूत्र क्या होगा तो हो टू पाई आर एच टू पाई का मान क्या हो गया बाईस आर का मान क्या हो गया शून्य दशमलव तीन पाँच ये दिया हुआ है और ये पांच क्या है एच ऊंचाई कितनी होगी पांच ये सात से शून्य दशमलव तीन पांच को जब हम भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा शून्य दशमलव शून्य अब ये बाईस का दो में गुणा की चौवालीस और शून्य दशमलव शून्य पांच का पांच में गुणा करेंगे तो क्या आएगा शून्य दशमलव दो पांच उसके बाद हम चौवालीस का गुणा शून्य दशमलव दो पांच से करेंगे तो कितना आ जाएगा ग्यारह वर्ग मीटर ये क्या आ गया एक खंबे का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल जब एक खम्बे का वक्र पृष्टि क्षेत्रफल ग्यारह वर्ग मीटर है तो अठारह खंबों का वक्र वक्रपृष्ठी क्षेत्रफल क्या होगा अठारह गुणे ग्यारह जब अठारह में हम ग्यारह गुणा करते हैं तो एक सौ अंठानवे वर्ग मीटर अब हमें अठारह खम्भों का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल मालूम हो गया तो अब सभी खम्भों का पृष्टी क्षेत्रफल में पेंट कराने में वह कितना लगा वह निकालेंगे तो लिखेंगे चूंकि एक वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय कितना है नौ रुपए इसलिए एक सौ अंठानवे वर्ग मीटर खंभों पर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा एक सौ अंठानवे गुड़ित तो नौ एक सौ अंठानवे का नौ में गुणा किए तो क्या आ गया एक हजार सात सौ बयासी रुपए अतः सभी खंभों पर पेंट कराने का व्यय होगा एक हजार सात सौ बयासी रुपए इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर ग्यारह करेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ने है आपका प्रश्न नंबर बारह बारह क्या कह रहा है एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाबा डिब्बों का प्रयोग किया जाता है डिब्बा पी की बीमा कितनी है तीन सेंटीमीटर गुड़ित आठ सेंटी सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की क्या है दो सेंटीमीटर गुड़ित दस सेंटीमीटर गुड़ित चौबीस सेंटीमीटर डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों तो देखिए बच्चों आप इसमें क्या करेंगे इनका आप आयतन निकाल लीजिए तो डिब्बा कैसा है घनाभा है तो घना का आयतन की सुबाई गुड़ी तो ऊंचाई गुड़ी चौड़ाई क्या है लंबाई गुड़ चौड़ाई गुड़ तुझा ही, ही होता है इसका सूत्र तो हम तीन सेंटीमीटर आठ सेंटीमीटर बीस सेंटीमीटर गुला करेंगे तो कितना चार सौ अस्सी घन सेंटीमीटर ये डिब्बा पी का आयतन आयन गया और डिब्बा क्यू का आयतन निकाले तो ये दो सेंटीमीटर का दस सेंटीमीटर गुड़ा किया और दस सेंटीमीटर का चौबीस सेंटीमीटर गुड़ा करेंगे चार सौ अस्सी सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर क्या जाएगा डिब्बा तो क्यू का आयतन आपने ये आयतन निकाल लिया अब क्या करेंगे डिब्बा पी कपेटी क्षेत्रफल और डिब्बा क्यू कपेटी क्षेत्रफल निकाल लेंगे चलिए डिब्बा पी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दो कोष्टक में एल बी धन बी एच धन एच एल ये क्या हो गया घना पे पृष्टि क्षेत्र पर सूत्र फिर इसमें हम मान रख देंगे दो एल का मान कितना है तीन ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल कितनी है तीन है चौड़ाई कितनी है आठ है फिर धन चौड़ाई आठ ऊंचाई कितनी है बीस आठ गुणित बीस धन ऊंचाई कितनी है आपकी बीस और लंबाई कितनी है? तीन अब इनका गुणा करते हैं दो गुणित तीन अट्ठे चौबीस तो धन आठ का बीस में गुणा किए एक सौ साठ बीस का तीन में गुणा किए साठ अब इनको क्या किया चौबीस में एक सौ साठ धन साठ को जोड़े तो कितना 244, 244 का तो गया गया पी काफल क्षेत्रफल निकाल लेंगे जैसे हमने पी का निकाले हैं यही सूत्र लगाएंगे दो कोष्टक में एल लंबाई, लंबाई बी धन बी एच धन एच एल इस सूत्र को लगा दी हमने और उसने मान रखते हल किए तो इसका छह सौ सोलह वर्ग सेंटीमीटर आ गया अब देखिए डिब्बा पी का पैसिटी क्षेत्रफल कितना है चार सौ अठासी और डिब्बा क्यू का क्षेत्रफल कितना है छह सौ सोलह

ए भुजा वाले छः घनों को एक दो तीन चार पाँच छः घनों को मिलाकर दो घना बनाए एक घना ये है और दूसरा घना ए ये घनाब ए है और ये घना बी ए और घनाब बी के पेष्टि क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए कि, कि किसका पेष्टि क्षेत्रफल कम है अब ये घनाब ए और घना बी की जो आकृति है इनका आपको पेष्टि क्षेत्रफल निकालना है और बताना है किसका पेष्टि क्षेत्रफल कम है देखिए घना ए की लंबाई क्या हो जाएगी कितने घने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः और भोज छः घन से मिलके बना है तो लंबाई क्या हो गई छ चौड़ाई ए ए और ऊंचाई ए और घना ए का पृष्टि चय तो निकालना तो दो कोष्टक में एल बी धन बी एच धन एच एल अब ये घनों से क्या बन गया ये घना बन गया तो अब इसका सूत्र लगाया हमने दो ये एल का मान क्या है छ ए बी का मान क्या है ए धन बी का मान ए और एच का मान ए धन एच का मान ए और उसके बाद एल का मान छ अब इनका गुणा करते हैं दो छ ए का ए में गुणा की छ ए का वर्ग एका ए में गुड़ा किए एका वर्ग और एक का गुणा छः ए में किए तो छः एक का वर्ग अब इनको जोड़ दीजिए छ और छह बारह और एक तेरह तेरह एक का वर्ग और तेरह ए वर्ग का दो में गुणा किए तो तेरह दूनिक छब्बीस एक का वर्ग ये क्या आ गया घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी प्रकार जो आपका ये घनाभ बी दिख रहा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी एक दो तीन कितने घन है तो तीन तो लंबाई हो गई तीन है चौड़ाई कितनी हो गई बी बराबर ए और ऊंचाई यहाँ पे कितना एक दो ऊंचाई कितनी हो जाएगी दो है अब घनाभ का बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो अब इसमें मान रख दिया हमने जो घना पोपैनी क्षेत्रफल है तीन है लंबाई कितनी हो गई तीन है चौड़ाई चौड़ाई कितनी कितनी हो गई धन है ए यहाँ पे और चौड़ाई कितनी ए और ऊंचाई कितनी है दो धन ऊंचाई कितनी है दो ए और लंबाई कितनी तीन है अब इनका गुणा करेंगे का गुड़ा में गुणा गुणा किए तो का वर्ग क्योंकि में घाते जुड़ जाती है एक इसकी घात एक है इसकी घात एक है तो कितनी हो गई दो फिर का दो में गुणा की दो का वर्ग इसी प्रकार दो का तीन एम ए गुड़ा की दो तीन का वर्ग अब इन सबको जोड़ दीजिए छह में दो जोड़े आठ और आठ में तीन जोड़े दस ग्यारह और ग्यारह एक वर्ग और ग्यारह वर्ग का दो में गुणा की तो बाईस एक वर्ग. आप देख सकते हैं का के है, 26 एक क्षेत्रफल छब्बीस तो से इस प्रकार से आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर तेरह हुआ इसके बाद नेक्स्ट नंबर चौदह चलिए प्रश्न चौदह का पढ़िए पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है किसी कमरे के फर्श में सम चतुर्भुज के आकार की चालीस टाइलें प्रती के विकर्ण चौबीस सेंटीमीटर इक्कीस सेंटीमीटर लंबाई के हैं दो रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पालिश करने का वह ज्ञात कीजिए देखिए बच्चों यहाँ पर टाइलों की संख्या कितनी है चालीस टाइलें हैं पहला विकट डी वन कितना है चौबीस सेंटीमीटर दूसरा विकट डी टू कितना है इक्कीस सेंटीमीटर तो आप क्या कर लीजिए सबसे पहले एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिए जब आपको एक टाइल्स का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो जो चौबीस टाइल्स है उसके क्षेत्र उससे क्या करते हैं गुणा कर देंगे तो आपको चौबीस टाइलों का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा फिर आपको मालूम है कि एक वर्ग सेंटीमीटर फर्स पर कराने का व्यय कितना है दो रुपये तो जो चौबीस टाइल्सों का क्षेत्रफल निकला है उसमें दो का गुणा कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि फर्स्ट को पालिश करने का कितना व्यय की आवश्यकता होगी चलिए निकालते हैं टाइलों की संख्या लिख दी हमने एक टाइस का क्षेत्रफल क्षेत्र कैसी है, का सूत्र होता है एक दो, पहला गो, गोले, दूसरा विकाण इक्कीस दो का भाग चौबीस में दी कितने बार गया बारह बार गया और बारह का इक्कीस में गोला करेंगे तो कितना दो सौ बावन वर्ग सेंटीमीटर ये दो सौ बावन वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया आपका एक टाइल का क्षेत्रफल है क्षेत्रफल क्या करेंगे चालीस टाइलों का क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल का गुणा गुणा कर देंगे चलो किए तो कितना आ गया देखो एक टाइल्स का क्षेत्रफल दो सौ बावन दोन चालीस का गुणाकर्त कितना दस हजार अस्सी वर्ग सेंटीमीटर ये चालीस टाइल्स टाइलों का क्षेत्रफल है एक वर्ग सेंटीमीटर फर्स्ट पर कराने का वह कितना है दो रुपए इसलिए दस हजार अस्सी वर्ग सेंटीमीटर फर्स्ट पर कराने का वह दस हजार अस्सी गुणित दो कितना आ गया बीस हजार एक सौ साठ को करने बीस हजार एक सौ साठ रुपए इस प्रकार से आपका प्रश्न चौदह कंप्लीट हुआ इसके बाद इस अध्याय का प्रश्न अध्याय प्रश्न नंबर पंद्रह चलिए प्रश्न नंबर पंद्रह पढ़िए अमन भुजा वाले बारह घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घना बनाता है देखिए ये एक घन दो घन ऐसे बारह घन बन के एक क्या बना आपका घनाभ बन गया अब कह रहा है उपरुत आकृति का पृष्टी क्षेत्रफल इस आकृति का पृष्टी क्षेत्रफल निकालना यह आकृति कैसी ऐसी घनाव है तो घना को क्षेत्रफल निकाल लेंगे न्यूनतम पेष्टी क्षेत्रफल का घना निर्मित करने के लिए ए भुजा वाले बारह घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे नोट आपके द्वारा प्रयास की गई प्रत्येक स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर बनाए गए घना का पृष्टि क्षेत्रफल भी लिखी है चलिए देखते हैं सबसे पहले तो जो हमको आकृति दी है इस आकृति का पृष्टि क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें लंबाई कितनी हो जाएगी कितने घन से बनी ये बारह घन से तो इसकी लंबाई हो जाएगी बारह ए लंबाई कितनी होगी बारह ए चौड़ाई कितना एक घन है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी ए और ऊंचाई भी इसकी ऊंचाई क्या रहेगी ए यहाँ पे ए लिखेंगे हमने बी लिख दिए थे इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी अब हम क्या करेंगे उपरोक्त आकृति का क्षेत्रफल उपरोक्त आकृति कैसी है आकृति का क्षेत्रफल का, का सूत्र क्या होता है दो लंबाई एल बी धन बी एच धन एच एल अब दो लंबाई कितनी बारह ए और बी मीन्स चौड़ाई कितनी है ए धन चौड़ाई ए ऊंचाई ए धन ऊंचाई ए और लंबाई कितनी है बारह अब इनका क्या करेंगे गुणा करेंगे बारह एका ए में गुड़ा की तो बारह एका वर्ग धन एक गुणा की तो एक वर्ग धन एक गुणा बारह ए में की तो बारह एका वर्ग तो और इनको जोड़ दीजिए बारह में बारह जोड़े तो चौबीस और एक पच्चीस एका वर्ग और पच्चीस एका वर्ग गुड़ा दो पचास एका वर्ग जो उपरुक्त आकृति थी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया आपका पचास एका वर्ग हो गया अब आपको क्या कह रहा है इसी के जैसे से आप और आकृति बनाते हैं हम जैसे देखिए ये आकृति बना हमने अब इस आकृति में हमने बारह ही घन लिए हैं ये तो एक दो तीन चार पाँच छ और कितने हो गए छः और इसी प्रकार छः बारह और छ एक दो तीन चार पाँच छः इस प्रकार से ये घरों को जोड़ के हमने बनाए तो ये आकृति बनी और इसको हम हल करेंगे घना को पेस्टी क्षेत्र फल का सूत्र लगाएंगे तो इसका चालीस एका वर्ग आएगा और तृतीय स्थिति में इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे और उससे हल करेंगे तो इसका अड़तीस एक वर्ग आएगा इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जो आपको अलग से बनाना है तो इस प्रकार हल करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर पंद्रह कंप्लीट हुआ इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्ययन और क्षेत्रमिति से संबंधित जो पंद्रह प्रश्न दिए थे तो उन प्रश्नों को हल करके समझाए बच्चों आपको इन प्रश्नों को हल समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए ठीक है बच्चों